एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच ऐसे ही बात हो रही थी, तो माता लक्ष्मी बोलती हैं कि आपकी महिमा तो ठीक है, पर आप मेरी महिमा के सामने नहीं जीत सकते। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि चलिए देख लेते हैं। तो भगवान संत के रूप में एक गृहस्थ के घर गए। उस आदमी ने भगवान का बड़ा आदर सम्मान किया, उसने भगवान के पैर धुलाए, भगवान को भोजन दिया और विश्राम करने के लिए जगह भी दी। फिर माता लक्ष्मी उसी गृहस्थ के घर में एक बुढ़िया के रूप में आती है। माता ने बोला, बच्चा मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्या तू मुझे भोजन दे सकता है? तो आदमी बोलता है, हाँ हाँ माता, क्यों नहीं। फिर माता बोलती है कि मैं अपने पात्र में खाती हूँ। तो आदमी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आपको जैसे खाना है आप वैसे खा सकती हैं। तो माता अपनी झोली से रत्नों से जड़ी हुई सोने की ग्लास, थाली और कटोरी निकालती हैं। वो आदमी यह दृश्य देखकर चकित रह जाता है और पूछता है कि माता आप इस बर्तन को धुलेंगी कि मैं धुल दूं? माता बोलती है कि मैं एक बार जिस पात्र में खा लेती हूँ उसको दोबारा नहीं रखती, अगर तुम चाहो तो इसको रख सकते हो। तो माता खाने के बाद बोलती है कि मैं अब चलती हूँ। तो आदमी बोलता है कि नहीं नहीं माता, दो चार दिन और रुक जाइए। तो माता ने बोला, जिस घर में साधु संत रहते हैं मैं उस घर में नहीं रुकती। तो वो आदमी आता है और बोलता है कि स्वामी जी अब आप अपना झोला उठाओ और जाओ, मैया रुकेंगी। तो माँ लक्ष्मी भगवान से मुस्कुराते हुए बोलती है कि जा रहे हो या धक्के लगवाऊं? तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है मेरी आलस को कम करने में।